स्टूडेंट डिस्कसिंग अबाउट स्टेट एंड प्रूफ बेस्ड थ्योरम। काफी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें बेस्ड थ्योरम भी समझाई जाए, तो क्या हम इसकी स्टेटमेंट चलिए पढ़ते हैं। इफ e1 e2 अप टू en आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाउ व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, मान लो ए कार्ड पे आपके पास आ रहा है टी, बी कार्ड पे आपके पास आ रहा है हाफ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं जिसमें दो प्रोबेबिलिटीज होती है और दोनों की डिफरेंट होती है, कभी भी सेम प्रोबेबिलिटी नहीं होती इसकी। नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नाउ व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जिनमें एक सैंपल स्पेस बनती है। सैंपल स्पेस मींस टू से आपके पास कोई भी इवेंट्स है, आपने उनकी क्या ले ली है? यूनियन। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ei इज नॉट इक्वल्स टू 0 ओवर रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज रैंडम? रैंडम मींस टू से 1/1 टू चूज एंड i, वी यूज i। नाउ व्हाट इज i? I is 1, 2 up to n, n event. A occurs in the sample space of above experiment with the probability of A is greater than 0. जैसे probability कभी भी negative नहीं होती, जैसे बारिश होनी है नहीं होनी है, दो ही reason है। ये तो नहीं हम कभी कहते कि ये negative है, -1 या -2, कभी ऐसी तो नहीं expansion लगाते हैं। तो क्या है हमारी base theorem? Probability of conditional probability of ei A occurs is equals to probability of ei, probability of conditional probability of A ei over summation I is equals to 1 to n probability of ei and probability conditional probability of ei which is A। मुझे देखो जो सिंपल नंबर है ना हमारा probability of ei, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर ei व्हिच इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब हम किसी प्रोबेबिलिटी में कोई कंडीशन लगा देते हैं देन वी इट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो प्रूफ देखिए, लेट एस बी अ सैंपल स्पेस। सबसे पहले हमें कोई एक सैंपल स्पेस लेनी पड़ेगी फॉर द रैंडम एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एंड e1 e2 अप टू en आर एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। दो इवेंट्स लिए हमने, कोई भी किसी के साथ सेम नहीं लेना, मतलब e1 e2 e3 नहीं लेना। हमने क्या लेना है? अलग अलग इवेंट्स लेने। तो अलग अलग इवेंट्स देखो, e1 e2 up to en आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो सैंपल स्पेस क्या होगी अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्टिव? यूनियन की वो क्या आएगा? e1 union e2 union e3 up to union of en। नाउ गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन एस, ए की हमने इंटरसेक्शन ले ली है इस सैंपल स्पेस के साथ। नाउ एस क्या है? e1 union e2 union e3। सो जब आप इनके साथ इनकी यूनियन लोगे तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन e1, ए इंटरसेक्शन e2, ये e3 अप टू an। तो इन सब की यूनियन के अकॉर्डिंगली एस एक्स एस ए इंटरसेक्शन 1, ए इंटरसेक्शन e2 अप टू ए इंटरसेक्शन en क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और e1 e2 अप टू en क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हमने एडिशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है, एडिशन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जितनी भी आपकी सैंपल स्पेस आई है उनको हमने क्या करना है? वैसे एडिशन करनी है उनकी। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन e1, probability of A intersection E2 plus probability of A intersection EN। अब देखो इसका formula क्या होता है? This is probability of A intersection E1 normal probability into conditional probability plus probability of A intersection E2 it means normal probability into conditional probability। A तो हमारे पास पहले ही अक्कर है, तो it means यहाँ पे क्या आएगा? A over E2 up to P of EN probability of A over EN। अब इस सारी प्रोबेबिलिटी को लिखने का वे आउट क्या है? आप बार बार e1 e2 en e3 थोड़ी बोलते जाओगे, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? समेशन। i है, तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक, मींस हमारी प्रोबेबिलिटी जो सैंपल स्पेस है e1 से शुरू होकर रचे कहाँ पे खत्म हुई है? en पे। तो i इज इक्वल्स टू 1 टू n। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ei प्रोबेबिलिटी ऑफ a ओवर ei व्हिच इज कंडीशनल। अब देखो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ei का मतलब नॉर्मल इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमें कैसा आंसर चाहिए?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ओवर ए, तो इसमें से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई ओवर ए फाइंड करते हो तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए ओवर ई आई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करा जो ये फार्मूला लिखा है, ये आया था हमारे पास, तो ये कितना आ गया, समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई आई. ये याद रखना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रूफ ऑफ बेस थ्योरम. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसमें थ्योरम में या आपको किसी सम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं.